हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस के क्लास में आज हम सबसे पहले आपको आपकी जो बुक चल रही है उसके बारे में बता दें। हमने आपको पहले भी बुक का नाम बताया था बालाजी प्रकाशन, पर चूंकि मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए हम आपको इसका कवर पेज नहीं दिखा पाए थे और हम आपको पुरानी बुक से पढ़ाते थे जिसका कि कवर पेज स्क्रीन पर आप लोग देखते थे। अब आप लोग ये बुक देख लीजिए जो कि आपकी इस साल चलनी है। ये बुक अब हमें मिल गई है। ये बुक देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग की बुक का नाम है बालाजी प्रकाशन, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, और नीचे इसमें देखिए लिखा है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित यूपी बोर्ड द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम। और इसका फर्स्ट पेज अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट पेज आपका ये है बालाजी कक्षा 9 श्रीमती तुलिका भटनागर बालाजी पब्लिकेशन। तो बच्चों अब आपका बुक का भ्रम खत्म हो गया। अब आप लोग और सभी, चूँकि मार्केट पूरी खुल गई है और आपको बुक सभी जगह पे अवेलेबल है, इसलिए प्लीज़ अब आप लोग बुक खरीदना शुरू करिए। आपको कॉलेज के स्टेशनरी शॉप पर भी ये बुक मिल जाएगी और अब आपको बुक खरीदने में लेट नहीं करना है, आपको घर पर ही रह के अपने एग्ज़ाम की यूनिट टेस्ट की तैयारियाँ करनी हैं। तो बच्चों अब इसमें देखिए, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था लोकतंत्र क्या और क्यों, ये लेसन पूरा हो गया था जो कि हमने समझा दिया था। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। चूँकि अब आपके पास बुक है और जिसके पास नहीं है उसको बुक ले लेनी है, इसलिए अब हम क्वेश्चन आंसर धीमे धीमे नहीं बोल के आपको जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। आप अपने बुक में टिक कर लीजिए और बुक खोल लीजिए और फिर उसके बाद उसको एक बड़े रजिस्टर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको हमने पहले बताया था 4 रजिस्टर बनने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी रजिस्टर इंटरलीव नहीं होगा। सभी रजिस्टर दोनों ओर लाइनदार होने हैं। ज्योग्राफी का रजिस्टर भी दोनों ओर लाइन का होगा, उसमें जब मैप हमें लगवाना होगा तो हम लाइनदार पेज पे लगवा देंगे। चलिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का पेज नंबर 263। ये देखिए पेज नंबर आपका 263, इसको खोलिए। अब आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएँ दी गई। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखी है। हमने आपको पहले भी लोकतंत्र पढ़ाया। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर कि जनता को निर्णय लेने की शक्ति मिलती है और शासक वर्ग का चुनाव करते हैं। जो शासक वर्ग निर्णय लेते हैं वो जनता के निर्णयों से प्रभावित होते हैं और उसको जनता को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा भी आपको कई विशेषताएं उदाहरणों सहित पढ़ाई गई हैं। अब देखिए इसमें पहला है देश का, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं कि लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। इस तरह से ये देश आपका बनता है अलोकतांत्रिक। सेकेंड है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। अब जब जो कोई भी पार्टी 20 वर्षों से चुनाव जीत रही है, क्योंकि चुनाव हो रहा है तो ये भी संभव है कि वहाँ लोकतंत्र हो, लेकिन एक ही पार्टी जीत रही है तो हो सकता है कि चुनाव निष्पक्ष ना होता हो और लगातार वही जीत रही हो, तो वो लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो लोकतंत्र है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा पक्का नहीं। थर्ड आपका है, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब इसमें आपको साफ समझ में आ रहा है कि अगर शासक दल हार रहा है, चुनाव हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लोकतंत्र। तो थर्ड का आंसर होगा आपका लोकतांत्रिक। एंड फोर्थ आता है देश का, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये अलोकतांत्रिक। इसके आंसर भी आपको नीचे दिए गए हैं पर हमने आपको जल्दी जल्दी समझा भी दिया है, अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। सेकंड है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। इनके आगे आप लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक का पक्का नहीं लिखें। सबसे फर्स्ट देश 4, ये है संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकते। हाँ तो बच्चों, जब हम सेना की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकते, इसका मतलब है कि संसद स्वतंत्र नहीं, तो यहाँ पर आपकी सरकार अलोकतांत्रिक होगी। दूसरा है देश, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो आपको मालूम है कि लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और उसके अधिकारों को हम लोग नहीं काट सकते। इस तरह से ये देश, हाँ तो बच्चों इस तरह से ये देश लोकतांत्रिक होता है।
थर्ड आता है देश की नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं, लोकतंत्र में वो देश स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, तो ये अलोकतांत्रिक होगा। फोर्थ आपका है देश के सभी आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विधायिका को नियम बनाने की क्षमता होती है, इसलिए यह अलोकतांत्रिक है। थर्ड आपका आता है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। इसमें आपको उन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। फोर्थ है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। जब भी आप ये चारों ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका सबसे अच्छा है, कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं। ये तर्क लोकतंत्र के पक्ष में सबसे अच्छा पक्ष का समर्थन नहीं, यह तर्क लोकतंत्र के पक्ष का समर्थन नहीं करता, क्योंकि चीन व मैक्सिको जैसे लोकतांत्रिक देश भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों से कहीं अधिक समृद्ध हैं। तो अब आपका ये थर्ड क्वेश्चन होता है, फोर्थ आपको नहीं करना है। अब आप आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। इसमें भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। सेकेंड है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। थर्ड है, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। फोर्थ है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें भी आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। फिफ्थ के बाद आप सिक्स क्वेश्चन आपको नहीं करना, फिर आपको करना सेवन्थ क्वेश्चन, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। इसमें बच्चों इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख के कर लीजिएगा। और अब इसके बाद आपको एट्थ क्वेश्चन इसका नहीं करना है। एट्थ क्वेश्चन के बाद आपको अब हम अगला जो क्वेश्चन करना है वो हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे।